एवरीवन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ बातें सबाज लाइव। मैं आज बाहर आई हुई थी अपनी बहन के साथ पार्क तक, और मैंने सोचा कि यार काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया, और क्योंकि मैं काफ़ी दिन से कहीं बाहर नहीं गई, किसी शो में कहीं पे भी ना खाना खाने गई हूँ, और मेरी बहनें मेरे साथ कहीं पे भी नहीं जाती हैं। तो अब मैं यहीं पे आई हूँ, यहाँ पे बहुत आवाम आई हुई है और मज़ा आता है। आप लोग भी फैमिली टाइम आई गेस स्पेंड करना चाहिए सबको। और वैसे भी अब दिन काफ़ी चेंज हो गए हैं, मौसम बहुत अच्छा हो गया है, बहुत खुले खुले दिन हो गए हैं, और आई गेस लाइफ इज़ गुड और आप लोगों को इन्जॉय करना चाहिए। बाकी अभी मुझे एक दो छोटे छोटे काम हैं तो वो काम भी करूँगी मैं, क्योंकि यही खुले खुले दिनों में काम करने का मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। और सब लोग मुझे देख रहे हैं कि लड़की पागल हो गई है, अकेली बातें कर रही है, तो मैं आप लोगों की खातिर पागल हो चुकी हूँ और व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ अपना। और अभी मैं वेट कर रही हूँ अपनी बहन का, वो आ जाएगी, शी इज़ मैरिड, जिनको पता है उनको तो पता ही है, तो फिर वो आएगी। तो फिर मेरे प्लान्स हैं कुछ के, मैं कहाँ कहाँ जाऊँगी। मैंने वाघा बॉर्डर जाने का प्लान किया है, लेकिन फैमिली नहीं मान रही कि बहुत अजीब सा माहौल होता है, हम नहीं जाएंगे, ये होता है वो होता है, बड़े मतलब इनके ड्रामे ही नहीं ख़त्म होते हैं। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को भी जाना चाहिए, वैसे पता नहीं मैं अभी जाऊँगी या नहीं जाऊँगी। और बाकी अभी मैं आप लोगों को लेके जाऊंगी अपने साथ, हम एक शॉप स्टेशनरी शॉप पे चलेंगे, वहाँ से हम कुछ चीज़ें लेंगे क्योंकि मुझे कुछ बनाना है, और फिर एक दो चीज़ें और लेनी है हमने, वो चीज़ें लेके हम फिर हम घर जाएंगे। फिर जब मैं उसको बनाऊंगी मैं वो भी व्लॉग के अंदर ऐड करूंगी, देन आई अपलोड माई व्लॉग। एंड अभी मैंने आपके पास जाके बैठ जाऊँ इससे पहले कि वो गुस्सा होगी कि बाहर आके तुमने कहा है कि बाहर चलते हैं, और बाहर आके जो है तुमने व्लॉग बनाना शुरू कर दिया है और ये बच्चे मेरा व्लॉग ख़राब कर रहे हैं। और बट इट्स ओके, क्यूट बच्चे थे तो कोई बात नहीं है। और अब मैं उसके पास बैठने जा रही हूँ वरना वो बहुत गुस्से होगी। फिर हम उसके बाद जाते हैं स्टेशन शॉप पर और कुछ सामान लेंगे। देन आई अपलोड माई व्लॉग एंड अभी मैंने आपके पास जाके बैठ जाऊँ इससे पहले कि वो गुस्सा होगी कि बाहर आके तुमने कहा है कि बाहर चलते हैं, और बाहर आके जो है तुमने व्लॉग बनाना शुरू कर दिया है और ये बच्चे मेरा व्लॉग ख़राब कर रहे हैं। और बट इट्स ओके, क्यूट बच्चे थे तो कोई बात नहीं है। और अब मैं उसके पास बैठने जा रही हूँ वरना वो बहुत गुस्से होगी। फिर हम उसके बाद जाते हैं स्टेशन शॉप पर और कुछ सामान लेंगे। और ये मेरे साथ देखें नायाब बैठी है, जो कि बहुत ही नायाब किस्म की औरत है, अपना चेहरा दिखाना नहीं पसंद करती पब्लिकली। ओ माय गॉड, मैं तो आम इंसान हूँ ना, मैं सामने आ जाती हूँ, लेकिन जो नायाब है ना, उसको देखने के लिए आप लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको मेरा ब्लॉग जो है वो दोबारा से सब्सक्राइब करना पड़ेगा, एक नया ईमेल एड्रेस बनाए अपना, और सारे उनसे जाके मेरा जो है ना ब्लॉग करें। अब चले मैं अपनी बहन को टाइम देती हूँ, फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे तो इसको कंटिन्यू करेंगे। परी, where are you going? मैंने तुम्हारी आज इज्जत रख ली है, लेकिन तुम्हें अपनी इज्जत रास नहीं। वो देखो, ये देखो, सन एंड कचरा एंड पार्क। चले मैं डायनासोर पे बैठने लगी हूँ। आज डायनासोर पे पहली दफा एक खोता बैठेगा। गिर जाऊंगी। ये देखें, क्या कभी आपने देखा? किसी तो हूँ सिर्फ 25 साल, इसमें क्या बात? क्या आपने कभी देखा? आपको क्या हुआ है? What happened to you? इधर मुंह करे ना सामने, कहाँ भाग रहे हैं चोरों की तरह? यार लाइक जैसे मैं डायनासोर पे बैठी लोग इधर मुंह करो, जैसे पता नहीं। What's your name? ना कर दिया। What's your YouTube page name? इधर घुमाओ ना मेरी तरफ। मैं डायनासोर पे बैठी हूँ, मुझे ऐसे थका है, और तूने जैसे पता नहीं मैंने तो मुंडा था इतना। You can can. ऊंची बोलो, आवाज नहीं आई। हम लोग बलून लेने आए हैं, 80 रुपए का बलून है और 100 रुपए का, बट हमसे डिसाइड नहीं हो रहा है क्योंकि ये हीलियम बलून नहीं है और 100 रुपए का बलून है, लेकिन उन्होंने जिद कर दिया तो हमें लेना पड़ रहा है और हमने ले लिया।
की जदोजहद के बाद जो है पंसार की दुकान पे आ गए हैं और दुआ करेंगे हम जो लेने आए हैं वो हमें मिल जाए। हम अलसी का आटा लेने आए हैं और वो हमें नहीं मिला। और ये बहुत ही रशी प्लेस है जहाँ से मैं आई हूँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ से हम लोग आए हैं और बहुत ज़्यादा, तो अब मैं यहाँ पे हूँ पंसार की शॉप पे। अभी देखते हैं यहाँ से हमें सामान मिलता है या ना। बीज ही हैं इसके बीज मिलते हैं। और वो बंदा पूछ रहा था आपने क्या करना है, तो हमने बताया कि हमने अपने फेस के लिए कुछ करना है, जो नया आप सीरम इजाद कर रही हैं उसमें हमने कुछ करना है इसका। मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पे कितनी फनी फनी नाम है। मुंडी बोटी, कासनी, तासक और मुरंगा पाउडर। बट ये सब चीज़ें बहुत ही यूज़फुल हैं और बहुत ही अच्छी हैं। मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आप लोग अगर कुछ भी इस तरह की फेस के लिए या हेयर के लिए चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग पंसार से ही सामान लिया करें, और क्योंकि जो इन चीज़ों का मज़ा है वो किसी चीज़ का नहीं। आज एक रफ सा व्लॉग बनाया है मैंने, और हमने ये थोड़ी सी सब्जी ली है, लेमन, लहसुन और अदरक, और भाई ने हमसे 350 रुपये हड़प कर लिया है, ये बंदा है। लेकिन आई नो रेट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो इट्स ओके। अभी हिसाब, आप लोग कभी भी सब्जी लेने जाएं तो पूरा हिसाब लिया करें, हलाल के पैसे हैं। अब मैं अपने एरिया के जूस वाले के पास जूस पीने आई हूँ। जूस बहुत अच्छा है इन भाई का, और साफ सुथरा काम है, और सारे लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। तो अभी हम जूस पीते हैं, जो सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। गाजर का जूस आप लोग भी पिया करें। हमारा जूस तैयार हो रहा है, और ये भाई बहुत स्वीट हैं और ये बहुत स्वीट जूस बनाते हैं, और साफ सुथरा है, देख सकते हैं आप, बड़ा अच्छा इनका काम है। लेट्स वेट, अब जूस आने वाला है और मैं आप लोगों को जूस का मग दिखाती हूँ। मैं अपना आज का व्लॉग यहीं पेंट करूंगी क्योंकि मेरी आपी का फ़ोन चोरी हो गया, और अगर लाहौर में भी यह सब होने लग जाएगा तो हम कैसे रहेंगे। कराची थोड़ी है, चलती रोड से बॉयज़ मोबाइल ले गए हैं। उम्मीद करती हूँ व्लॉग सही लगा होगा, नहीं लगा तो भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।